नमस्कार सभी दोस्तों को। एक बार फिर मैं मानिला उत्तराखंड से, इस समय यहाँ आज तारीख 20 तारीख हो रखी है और मौसम कितना खुशगवार है। सुबह बहुत बारिश हुई थी, फिर बारिश का इम्कान है और मौसम का हाल देखिए, बादल जैसे लग रहा है कि नदियों के उनके चूल रहे हैं पानी लेने के लिए, कहा जाता है ऐसा ही है। और ये देखिए खुशगवार मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ये मौसम इस समय बहुत काफी हरियाली है। सभी जो दिल्ली में है, लग रहा है कि दिल्ली में भी बारिश हो रही है। मैंने फोन किया था तो दिल्ली में भी काफी अच्छी बारिश हो रही है यहाँ, लेकिन पहाड़ों की बारिश जो है वो मन को लुभावने वाली है। ये देखिए वहाँ रणकुना की साइड पर दिखा रहा हूँ आपको, रणकुना की साइड में वहाँ दिखा कितने बढ़िया बादल जो है नीचे डूब रहे है। और इधर सामने बिरल गाँव है, जयगाड़ है, बिरल गाँव है, बहरू गाँव है और बिसाव गाँव है। ऐसे मैं आपके सामने गाँव के नाम बता रहा हूँ और इतनी खुशगवार मौसम, इसमें हवा तेज चल रही है और मैं खुद अपना ग्लव्स बांध के और ट्रैक सूट पहनकर आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूं और यहां के नज़ारे दिखा रहा हूं आपको मानिला उत्तराखंड से। सभी भाइयों को एक बार फिर नमस्कार और आपको फिर से आप दोपहर के बाद फिर मिलूंगा आपको नए नज़ारे के साथ। धन्यवाद। और ये मौसम जो है अभी पकौड़ी और पराठे खाने का मौसम है, सुबह सुबह नाश्ता का टाइम हो रहा है और हमने अपने घर के आलू हैं, जो हमारे घर के आलू हैं वो मैंने बॉईल करके आलू का पेस्ट बना दिया है, जिसको पेस्ट बोलते हैं आलू का पेस्ट। और इधर हमारी रोटी बन रही है और तवे में देसी घी जो है, ये देखो देसी घी, प्योर देसी घी है, ये देसी घी इसमें है और ये देसी घी लगा रखा है। चाय बन गई है और पराठे बॉयल हो, पराठे सेके जा रहे हैं, गर्म गर्म पराठे का मजा लिया जा रहा है। और ये हम अपने गोठ में हैं और हमारी माता जी बैठी हैं, उनको पराठे अभी नाश्ते की तैयारी हो रही है और नाश्ता मिल रहा है उनको। माता जी कैसा लग रहा है आपको आज, मौसम कैसा है? बहुत बढ़िया, जाड़ मुँह में। अच्छा, रोटवट खादा ना पराठा था। ये है गाँव का मौसम, इसमें गाँव में खेती बाड़ी काम नहीं होगा क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, लोग अपने घरों में है और अच्छे अच्छे पकवान बना रहे, जैसे हम पराठा बना रहे, कोई पकौड़ी बना रहा है। अभी भी थोड़े दिन में आखिरी जाऊंगा, मैं आखिरी में लोगों से पूछूंगा क्या किसने क्या क्या बनाया है। और सभी इंजॉय कर रहे हैं बरसात का, और इंजॉय कर रहे हैं, फसल के लिए भी अच्छी है बरसात और हमारे खासकर हमारे पेड़ों के लिए बहुत अच्छी बरसात है, हमारे पेड़ों के लिए बहुत अच्छी बरसात है। और हम उनको पानी दे रहे थे और अनार का पेड़, मम्मी बता रही कि हम अनार का पेड़ लगा था उसमें टेक दे रखी थी, जो पैसे आपको पहले वीडियो में दिखाया था उनको नीचे झुक गया, हवा तेज चल रही है और हवा से पेड़ जो है झुक जाते हैं इधर से उधर, कई पेड़ टूट भी जाते हैं। इसलिए धन्यवाद, आप भी मजा लें, पराठे खाएं, पकौड़ी खाएं, चाय पिए, घर में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी मानिला उत्तराखंड से आपको लाइव दिखा रहा हूँ क्योंकि मूसलाधार बारिश हो रही है। मैं यहाँ पे लगातार 4 घंटे की बारिश भी हो रही है। मौसम खराब है, कैमरा मैन जो बोलूंगा कि वो मौसम दिखाए, यहाँ छाता लेकर बैठे हुए हैं, यहाँ की बारिश और ठंड काफी अच्छी ठंड हो रही है, थोड़ी देर में गाढ़ गधेरे भी आने वाले हैं और मौसम बड़ा बारिश बताई गई है। लगातार 2 दिन से चल रही है, घरों में चूहन भी आ गए हैं और लोग परेशान भी हैं क्योंकि मकान छूटे हुए मकानों में चूहन आ गए हैं। चूहन का मतलब होता है घर में लीकेज हो रहा है, पानी का लीकेज कर रहे हैं घर। और ये जो बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं कितनी तेज बारिश है, यहाँ मानिला उत्तराखंड से। और बारिश का एंजॉय करिए, स्वस्थ रहिए, कोरोना से अपने को बचाइए, बारिश तो ऐसी है, मौसम का इंतजार, मौसम का मजा लीजिए। धन्यवाद उत्तराखंड मानिला से। क्या आओ चल।